हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सीरीज 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो पहला क्वेश्चन है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरीली ऑफ। इसमें पूछा गया है कि जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे उनका बेसिकली रिलीजन क्या था, किस प्रकार की उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो नेचर की वर्शिप करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे और वो यज्ञ किया करते थे, जिसे कि यजनास भी कहा गया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एट। इसमें पूछा गया है कि जो बोधिसत्वा पद्मपाणि की जो पेंटिंग है, जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है, काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है, वो कहाँ पर है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अजंता केव नंबर 1। जो बोधिसत्वा पद्मपाणि की जो फेमस पेंटिंग है वो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें, जो पहली गुफा है, गुफा संख्या 1 है, वहाँ पर ये बोधिसत्वा की पद्मपाणि की फेमस पेंटिंग है, जिसमें कि भगवान विष्णु को हाथ में कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। इसमें पूछा गया है कि स्थानकवासी सेक्ट कौन से रिलीजन से बिलोंग करता था। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा जैनिज़्म। जो स्थानकवासी थे, बेसिकली वो जो श्वेतांबर सेक्ट होता है जैनिज़्म का ही, जैनिज़्म के ही जो बेसिकली दो सेक्ट होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें से जो श्वेतांबर है उससे काफ़ी मिलता जुलता सेक्ट था स्थानकवासी, और बेसिकली जो स्थानकवासी सेक्ट है वो जैनिज़्म रिलीजन से रिलेटेड है, जैनिज़्म से ये बिलोंग करता है। उसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु इज़ ए फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। इसमें पूछा गया है कि इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में बताना है कि फ्यूचर बुद्धा कौन हैं जो कि आएंगे अर्थ को सेव करने के लिए, वर्ल्ड को सेव करने के लिए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा मैत्रेया। जो मैत्रेया हैं उनको फ्यूचर बुद्धा कहा गया है, भविष्य का बुद्धा कहा गया है, कि वो भविष्य में आएंगे, फ्यूचर में आएंगे और अपनी टीचिंग्स को देंगे और पूरे वर्ल्ड को सेव करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने राष्ट्रकूटा एम्पायर की, राष्ट्रकूटा साम्राज्य की नींव रखी, किसने राष्ट्रकूटा एम्पायर की फाउंडेशन की। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा दंती दुर्गा। जो दंती दुर्गा था उसने राष्ट्रकूटा एम्पायर का फाउंडेशन किया, राष्ट्रकूटा साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग कल्याण मंडपास वॉज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो टेम्पल स्ट्रक्चर का, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक नोबल फीचर होता है जिसमें कि कल्याण मंडप्स को बनाया जाता था, तो ये किसके साम्राज्य में टेम्पल कंस्ट्रक्शन का ये फीचर यूज हुआ। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा विजयनगर। जो विजयनगर साम्राज्य है उस टाइम पर कल्याण मंडप का जो फीचर है वो टेम्पल स्ट्रक्चर में, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता था। बेसिकली जो टेम्पल होते थे वहाँ पर डिफरेंट मंडप्स होते थे, उसमें से जो सबसे सेंट्रल मंडप होता था, सबसे बीच का जो मंडल होता था, केंद्र का जो मंडप होता था, वही कहलाता है कल्याण मंडपा, उसी को कहा जाता था कल्याण मंडपा। और ये जो फीचर है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, ये विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर ही आता है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्तलिक वॉज, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि नास्तलिक क्या था।
स्टूडेंट इसका आंसर होगा नास्तलिक बौजे पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मीडिएवल इंडिया। जो नास्तलिक है, नास्तलिक एक पर्शियन स्क्रिप्ट थी, पर्शियन लिपि थी जिसको मीडिएवल इंडिया में यूज़ किया जाता था। मध्यकालीन भारत की एक लिपि है जिसको कि मध्यकालीन भारत में यूज़ किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। और जो ये नास्तलिक स्क्रिप्ट है, बेसिकली ये स्क्रिप्ट मुगल्स के टाइम पीरियड पर यूज़ की जाती थी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर। इसमें पूछा गया है कि जो मुगल पेंटिंग है वो अपने शीर्ष पर किसके टाइम पर पहुंचती है, मींस कि अपने पीक पर कब पहुंचती है, या ये कह सकते हैं कि जो मुगल पेंटिंग है वो सबसे ज़्यादा किसके टाइम पर फेमस होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के टाइम पर जो मुगल पेंटिंग्स थी वो काफ़ी फेमस होती हैं और अपने पीक पर पहुंचती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ, जो सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीन वॉज। इसमें कहा गया है कि जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की जो सेंट्रल मशीनरी थी उसमें जो हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो कौन था। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा मीर बख्शी। जो मीर बख्शी था वो अकबर के साम्राज्य में जो उसकी सेंट्रल मशीनरी थी एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड था मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, द मिडिएवल इंडियन राइटर्स हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इंडियन राइटर्स था जो कि मिडिएवल टाइम पीरियड का था, जिसने कि जो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका है, जो अमेरिका की खोज है, उसके बारे में बताया है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल एक इंडियन मिडिएवल राइटर से मध्यकालीन भारत के लेखक थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के बारे में लिखा है। स्टूडेंट आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।